की बड़ी खबर, यूपी के 3 जिलों के डीएम बदले। दिनेश चंद्र सिंह डीएम बहराइच बनाए गए। संजय कुमार खत्री बने डीएम प्रयागराज। सुजीत कुमार को कौशाम्बी का डीएम बनाया गया है। तो एक्शन मोड में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ तबादले निष्कासित कर रहे हैं। इस तरह से पूर्व भी हमने देखा कि आईएएस अफसरों के तबादले किए गए, उसके बाद अभी फिलहाल बड़ी खबर 3 डीएम के तबादले किए गए हैं, जिसमें सुजीत कुमार नाम शामिल है। तो दिनेश चंद्र, सुजीत कुमार, संजय कुमार खत्री, ये तमाम नाम शामिल है। मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार तबादले जो है वो करे जा रहे हैं, एक्शन मोड में सीएम योगी नजर आ रहे हैं। अधिकारियों से भी जैसे कहा जा रहा था कि अधिकारी नहीं सुनते, उसके बाद 3 बड़े तबादले किए गए हैं, डीएम बदले गए हैं। निश्चित तौर पर कहती है, जो तबादले की जो बात कर रहे हैं, लगातार हम देखने को मिला है, ये तीसरा दिन है जब लगातार तबादले किए जा रही है सरकार। और आपको पहले भी बता दें कि हमने पहले भी कल भी हमने एक बार जब ट्रांसफर लिस्ट आई थी हमारे पास, जब तमाम आईएएस भी ट्रांसफर होते, तब भी हमने इस पर बात की थी कि एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जो कि रिपोर्ट उनको दी गई थी। अभी हमने देखा था, जब हमने पहले भी बात की थी, जब डीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं वो आए थे, उन्होंने बैठक की थी, तमाम विधायकों मंत्रियों के साथ बैठक की थी, उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट जेपी नड्डा को दी थी। उससे ही निकल के आया था कि यहाँ पे विधायकों और मंत्रियों में अफसरों को लेकर काफी नाराजगी है। इस साफ तौर पर कहा गया था कि अफसर उनकी कोई बात नहीं सुनते, उसी को देखते हुए लगातार ये तबादला जो एक्सप्रेस है वो चल रहा है। हमने देखा था पिछले कल भी कुछ तबादले हुए थे, आज फिर कुछ तबादले हैं, और हम फिर से बता रहे हैं अपने प्राइम टीवी के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये तबादले अभी रुकेंगे नहीं, अभी कई और बड़े जिलों के कप्तान और एडीजी रैंक के आईपीएस के जो तबादले हैं वो भी हमने देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से हमारे सहयोगी मनीष ने बताया आपको कि लगातार हम ये खबर आपको प्रमुखता से चला रहे हैं, और प्राइम टीवी लगातार ये बात को भी उठाता रहा है कि जिस तरह से अधिकारियों और जो सरकार के बीच तालमेल की कमी बैठ रही थी, अधिकारी सुन नहीं रहे थे योगी सरकार की, इसको लेकर तमाम बातें सामने आ रही थी, उसके बाद एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन में है सीएम योगी। और जिस तरह से बीएल संतोष का दौरा हुआ, उसके बाद जो असमंजस बैठा, उस पर जो निष्कर्ष निकल कर आया, उसके बाद ये तबादले किए जाते हैं। हालांकि ये तबादलों का दौर अभी रुकेगा नहीं, इसके बाद और भी बड़े रैंक के अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं। लखनऊ तो बड़ी खबर हम लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की 5 और 6 जून को होगी बड़ी बैठक, जेपी नड्डा और बीएल संतोष लेंगे बैठक, सभा महासचिव और राज्यों के प्रभारी होंगे शामिल, कोरोना काल में पार्टी द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की होगी समीक्षा। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मनी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 5 और 6 जून को बड़ी बैठक जेपी नड्डा और बीएल संतोष लेंगे, क्या कुछ होगा इस बैठक को लेकर, किस तरह की जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? बिल्कुल कीर्ति, आपसे बताना चाहेंगे, 5 और 6 जून को बड़ी बैठक होनी है दिल्ली में, जिसमें जेपी नड्डा और संगठन के महासचिव बीएल संतोष बैठक को संबोधित करेंगे। इसमें खास कार्यक्रम ये रहेगा कि प्रदेशों में और जिलों में पार्टी द्वारा किए गए कामों को कैसे कैसे उसमें सुचारू रूप से लाया गया, इस पर विशेष जोर दिया जाएगा, क्योंकि 2022 चुनाव को लेकर पार्टी किसी तरह से भी कोई भी दांव खेलने से बचना नहीं चाहती है। जिस तरह से लगातार 3 दिन के दौरे पर थे, मंथन का दौर चला, कई चीजें निकल कर आई, हालांकि कई कयास भी लगाए जा रहे थे कि हो सकता है डिप्टी सीएम बदले जाए, हो सकता है कि अध्यक्ष पद पर किसी और को नियुक्त किया गया, लेकिन उन सभी चीजों पर विराम लगते हुए अब एक्शन मोड में नजर आ रही है योगी सरकार। जिस तरह से 2022 के चुनाव में कुछ महीने ही रह गए, उसके बाद कहीं ना कहीं ये बैठक भी कई मायनों में अहम मानी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, जेपी नड्डा संगठन मंत्री हैं, जो कि पिछली बार भी चुनाव के दौरान में काफी एक्टिव रहे, और हाल फिलहाल में ही बीएल संतोष जी लखनऊ आकर सभी से मिले, और उन्होंने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
से बढ़िया कोई मुख्यमंत्री प्रदेश में नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने साफ मोहर जताई। उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आने वाले समय में जो भी चुनाव के लिए रणनीति होगी उसके लिए मुख्यमंत्री पर पूरा पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग मोहर लगा चुके हैं। जो अभी सीएम योगी सरकार में जो रिक्त स्थान है उसको लेकर भी मंथन होगा जेपी नड्डा और बीएल संतोष के बीच, जिस तरह से अभी कई स्थान रिक्त पड़े हुए हैं। छह मंत्री ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी कोरोना की वजह से, उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा इस बैठक में। जी कहते बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से लगातार सीएम योगी बीएल संतोष, माफ कीजिएगा, 3 दिन के मंथन पर आए हुए थे उत्तर प्रदेश, और उन्होंने वहां पर लखनऊ में आकर तमाम चीजों का ब्यौरा लिया कि किस तरह की क्या कमियां जा रही हैं, जो हम लोग की सरकार में ही जिस तरह से बीच विधायकों के बीच जिस तरह से रार निकलकर सामने आती थी, उसको लेकर बीएल संतोष ने बात की। उसके बाद अब जेपी नड्डा और बीएल संतोष 5 और 6 जून को बैठक लेंगे, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, और खास करकर 2022 के चुनावी समीकरण साधने की कोशिश करेंगे, उसको लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। रिटायर्ड जज बालकृष्णा बने यूपी योगी सरकार ने बालकृष्ण को दी बड़ी जिम्मेदारी। जुलाई 2020 में हुए थे रिटायर। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आयुषी हत्याकांड मामले का दिया था फैसला। बालकृष्ण ने आयुषी तलवार दंपति के रिहाई के दिए थे आदेश। रिटायर्ड जज बालकृष्ण यूपी हाई कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं। जुलाई 2020 में हुए थे रिटायर। तो बड़ी खबर हम लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। योगी सरकार ने बालकृष्ण को बड़ा रिटायर हुए थे 2020 में बड़ा पद दिया है उन्हें। आयुषी हत्याकांड मामले में उन्होंने फैसला सुनाया था। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मार्तन जुड़ चुके हैं। मार्तन, यूपी ह्यूमन राइट का पद दिया गया है। जी देखिए, रिटायर्ड जज है बालकृष्ण नारायण, यूपी ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। 2020 में रिटायर हुए थे। आरओसी हत्याकांड जो कि काफी चर्चित रहा था, जो कि जिसमें जो है सीबीआई ने आरओसी तलवार जो थे इनके माता पिता इनको माता पिता जो राकेश तलवार और इनकी माता दोनों को आरोपी बनाया था, तो इसको लेके काफी हंगामा मचा था। काफी दिनों तक ये सुर्खियों में रहा था ये मामला, जिसके बाद जस्टिस बालकृष्ण ने ही इन दोनों तलवार दंपति जो थे इनकी रिहाई का आदेश दिया था। उसके बाद उनको यूपी ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाया। यूपी ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन का जो पद होता है बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। जिस तरीके से आजकल और हम जिस लोकतांत्रिक ढांचे में रहते हैं उसमें ह्यूमन राइट की बातें लगातार होती रहती है, तो ऐसे में ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन होता है उसके पास वो अधिकार होते हैं कि कहीं भी अगर ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है या कुछ इस तरीके की चीजें हो रही हैं जिसमें ह्यूमन राइट वायोलेशन नजर आता है तो उनके खिलाफ कदम उठाए, सरकार को नोटिस जारी करे या संबंधित विभाग अगर कहीं कुछ हो रहा है तो वहां पे नोटिस जारी करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ह्यूमन राइट कमीशन का पद दिया गया है, बड़ा पद होता है ह्यूमन राइट्स के लिए, जो हमारे व्यक्तिगत जो राइट्स हैं उसके लिए ये पद बालकृष्ण को सौंपा गया है। आरुषि तलवार दंपति को रिहाई दी गई थी। बता दें आपको, रिटायर्ड जज बालकृष्ण बने हैं यूपी ह्यूमन राइट्स का पद इन्हें नियुक्त किया गया है। जुलाई 2020 में रिटायर्ड हुए थे जज पद से। सीएम योगी आदित्यनाथ का 39वां जन्मदिन आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। ट्वीट कर सीएम की तारीफों के बांधे पुल। सीएम को अत्यंत कर्मठ और लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया। तो राजनाथ सिंह का ट्वीट सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर आया है। उन्होंने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के अत्यंत कर्मठ और लोकप्रिय मुख्यमंत्री उन्होंने बताया सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने ट्वीट के जरिए। साथ ही साथ जन्मदिन की बधाइयां दी है उन्होंने। प्रदेश के विकास को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। वहीं लखनऊ से अगली बड़ी खबर, शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री की मौत। देर रात हार्ट अटैक से हुई कन्हैया लाल मौर्य की मौत। व्यापार मंडल में शोक की लहर। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं।
शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री की मौत हो गई है। इसके चलते व्यापारियों में शोक की लहर है।